आप सभी दर्शकों का एक बार फिर इंडियन न्यूज में स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान में खड़े हैं जो कि सेक्टर एरिया और सुपेला क्षेत्र को जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्टर 6 अंडर ब्रिज को, जो दोनों हिस्सों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जैसा दर्शकों आप सभी जानते होंगे कि सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को अभी अंडर ब्रिज के कार्य के लिए अभी कुछ दिनों से बंद कर दिया गया, जो विगत आने वाले कम से कम 1.5 वर्षों तक के लिए बंद रहेगा। इसी वजह से दोनों अंडर ब्रिज, चाहे मोरियाटा ब्रिज की बात कर ले चाहे सुपेला अंडर ब्रिज की बात कर ले, तो ये दोनों अंडर ब्रिज में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बना हुआ है। और इसी बीच अगर बात करें तो रोजाना लाखों गाड़ी यहाँ से आना जाना करती है। और इसी बीच एक रेलवे प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लापरवाही उभर कर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक रेलवे के स्लैब की जो कि अंडर ब्रिज के ऊपर लगा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्लैब है, जो पिलर रखे हुए हैं अंडर ब्रिज के ऊपर, चूँकि रोजाना अंडर ब्रिज के ऊपर से ट्रेनों का आवाजाही लगातार बना रहता है, जिसके कंपन से ही वह नीचे किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी के ऊपर भी गिर सकता है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। परंतु अभी तक इस पे किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई रेलवे प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अब चूंकि अगर आगे दिनों की बात करें तो आगामी दिनों में अगर इतनी बड़ी दुर्घटना अगर घटती है तो इसका जवाबदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, और लोगों की इस बारे में राय को जानेंगे। सर, वहाँ पे स्लैब गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप इस लापरवाही को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सर, भैया, घटना हो जाने के बाद कोई मर जाएगा तो उससे ज़्यादा कोई झेल नहीं पाएगा, फिर नेतागिरी चालू हो जाएगी। इससे पहले मैं सरकार से और भूपेश बघेल से गुजारिश करना चाहता हूँ, आम आदमी की सब सुरक्षा करके और जैसे ये गिर रहा है इसको सबसे पहले ध्यान दिया जाए। ये तो आम जनता के लिए प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है, कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही सरकार जागती है और रेलवे जागती है। अभी इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, यदि नहीं होगा तो इसके लिए फिर पब्लिक आंदोलन करेगी, तब कार्रवाई होगी। रेलवे के पास एक विभाग होता मॉनिटरिंग का, उस मॉनिटरिंग विभाग को सक्रिय किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कहीं टूट फूट तो नहीं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको हम बेहद बारीकी से, बेहद करीब से इस लापरवाही के आपको हम वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की लापरवाही बरती गई है, क्या वो किया गया है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे, कि स्लैब एकदम नीचे के तह तक आने को वो तैयार है। अगर थोड़ा भी कुछ दिन अगर हम रुके तो वह स्लैब कभी भी किसी के ऊपर गिर कर दुर्घटनाग्रस्त किसी को भी चोटिल और गंभीर अवस्था में कर सकता है। अगर हम बात करें तो इस दुर्घटना की जवाबदारी किसकी होगी, क्या जिला प्रशासन इसको लेकर अपनी जवाबदारी देगा या फिर रेलवे प्रशासन इस गंभीर लापरवाही को लेकर अपनी जवाबदारी पेश करेगा। आखिर जिस किसी के ऊपर भी अगर ये दुर्घटनाग्रस्त किसी भी प्रकार से होता है तो जान और माल का दोनों का खतरा बना हुआ रह सकता है। भिलाई से कैमरामैन सनी के साथ रवि कुमार सोनकर की ये विशेष रिपोर्ट।